जब हम किसी भी पॉपुलेशन को स्टडी करते हैं तो हम उसको देखते हैं कि पॉपुलेशन ग्रोथ क्या पैटर्न क्या है पॉपुलेशन डेंसिटी क्या है तो इससे पॉपुलेशन के अंदर जहाँ वो उसका सर्वाइवल पैटर्न क्या है तो ये डिफरेंट दिज आर ऑल एक्चुअली द एट्रीब्यूट्स ऑफ पॉपुलेशन आर द द ऑफ पॉपुलेशन ये किसी पॉपुलेशन की जाए कहलाते हैं तो पॉपुलेशन डेंसिटी डेंसिटी कहते हैं कोई चीज डेंस डेंस का मतलब क्या होता है ज्यादा होना तो पॉपुलेशन डेंसिटी से मुराद ये है कि कितने ज्यादा इंडिविजुअल किसी स्पेसिफिक एरिया के अंदर या यूनिट एरिया के अंदर मौजूद हैं बाई साइंटिफिक वे हम इसको क्या करेंगे इट इज द नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑफ स्पेसिफिक पॉपुलेशन प्रेजेंट पर यूनिट एरिया एक स्पेसिफिक एरिया के अंदर यूनिट एरिया जो है उसके अंदर कितने इंडिविजुअल मौजूद हैं दैट इज़ कॉल इट्स डेंसिटी आमतौर पर अगर पर यूनिट एरिया नंबर ऑफ इंडिविजुअल ज़्यादा हैं तो हम कहेंगे द डेंसिटी इज़ हायर डेंसिटी ज़्यादा है इफ़ द नंबर ऑफ इंडिविजुअल पर यूनिट एरिया आर दे आर लो इन नंबर कम हैं तो हम क्या कहेंगे दिट इज़ द लेस डेंसिटी ऑफ द इंडिविजुअल तो इंडिविजुअल की डेंसिटी क्या होगी कम होगी सो so, आम तौर पर जो पॉपुलेशन डेंसिटी है ये क्या कर सकती है कि ये किसी भी पॉपुलेशन के बारे में हमें एक प्रिडिक्शन देती है उसके बारे में वो बताती है कि पॉपुलेशन है वो किस तरह से उसका जो पैटर्न क्या होगा जिस तरह से पॉपुलेशन जो है दे इम्पैक्ट द पॉपुलेशन इन अ प्रीडिक्टेबल वे कि बताती है कि ये पॉपुलेशन जो है वो क्या पॉपुलेशन स्टेबल है डेंसिटी बहुत कम है इसका मतलब यह है कि कहीं पॉपुलेशन जो है वो जो है वो वहाँ से इनडेंजर तो नहीं है या ये कहीं कहीं एक्सटेंशन की तरफ तो नहीं जा रही है तो पॉपुलेशन डेंसिटी से बेसिकली हम उस एनिमल की पॉपुलेशन जो है उसके ऊपर डिफरेंट जो है वो इकोलॉजिकल या कह सकते हैं कि बाकी चीज़ें जो उसको एम्प्लाई इम्प्लीमेंट करते हैं वो देखते हैं कि पॉपुलेशन वेदर इट इज़ स्टेबल वेदर इट इज़ इंक्रीजिंग और वेदर इट इज़ डिक्रीजिंग सो वाट आर डिफरेंट फैक्टर्स विच इफेक्ट द पॉपुलेशन डेंसिटी वो कौन से फैक्टर्स हैं जो पॉपुलेशन डेंसिटी को इफेक्ट करते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी को जो फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं दे आर आर टू टाइप्स दो तरह के हैं एक वो टाइप है जिसको हम कहते हैं डेंसिटी इंडिपेंडेंट फैक्टर्स ये ऐसे पॉपुलेशन ये ऐसे फैक्टर्स हैं जो पॉपुलेशन को अफेक्ट करेंगे चाहे वो पॉपुलेशन कम अमाउंट में हो या ज्यादा हो यानी वो पॉपुलेशन की डेंसिटी के सामने रखकर इफेक्ट नहीं करते हैं सेकेंड टाइप ऑफ फैक्टर्स हैं विच आर कॉल्ड डेंसिटी डिपेंडेंट फैक्टर्स डेंसिटी डिपेंडेंट फैक्टर्स वो हैं जो पॉपुलेशन की जब डेंसिटी बढ़ेगी तो वो फैक्टर रोल तो प्ले करेंगे जब डेंसिटी कम होगी तो फैक्टर रोल कम प्ले करेंगे तो फर्स्ट था डेंसिटी इंडिपेंडेंट फैक्टर्स दीज आर दो फैक्टर्स विच अफेक्ट द पॉपुलेशन रिगॉर्ड लेस ऑफ द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स रिगार्ड नंबर ऑफ इंडिविजुअल को सामने रखते हुए नहीं बल्कि ये ओवरऑल पूरी पॉपुलेशन को एक जैसा अफेक्ट करते हैं चाहे पॉपुलेशन छोटी है या बड़ी है इसके जो एग्जाम्पल्स हैं दे आर द वेदर कंडीशंस टेम्परेचर जब कम होता है तो पॉपुलेशन चाहे छोटी है या बड़ी है वो इक्वली इफेक्ट होगी इससे टेम्परेचर अगर एक्सट्रीम हो जाता है ज़्यादा हाई हो जाता है तो फिर भी पॉपुलेशन को इक्वली इफेक्ट करेगा वो कोई भी पॉपुलेशन साइज का पॉपुलेशन डेंसिटी का उसके ऊपर उस फैक्टर से कोई लेना देना नहीं होगा अर्थक्वइ्स नेचुरल कैटास्ट्रॉफ्स जो हैं नेचुरल कैटास्ट्रॉफ में अर्थक्विक्स जो हैं आप पॉपुलेशन छोटी या बड़ी है वो अर्थक्विक से इक्वली इफेक्ट होती है हरिक तूफान जो हैं दे आर आल्सो इफेक्टिंग द पॉपुलेशन इन द इक्वल वे वो डेंसिटी कम है या ज़्यादा है वो बराबर इफेक्ट करेगी फायर अगर किसी फॉरेस्ट में फायर हो जाती है जंगल में आग लगती है तो चाहे इंडिविजुअल थोड़े हैं या ज़्यादा हैं दे हैव टू डाई तो इसका मतलब वो पॉपुलेशन इक्वली इफेक्ट होगी इस फैक्टर से भी पोल्यूटेंट्स हैं पोल्यूटेंट्स और डिफॉरेस्टेशन ये वो चीज़ें हैं जो ह्यूमन क्या करता है कि इन्वायरमेंट के अंदर इम्पोज करता है तो पोल्यूटेंट्स जो है ये भी पॉपुलेशन चाहे डेंस है चाहे डेंस नहीं है दोनों केसों में इक्वली इफेक्ट करेगी और डिफॉरेस्टेशन होने से जब हैबिटेट तबाह हो जाएगा तो इस केस में चाहे पॉपुलेशन छोटी है या बड़ी है वो सारी सारी पॉपुलेशन वहां से खत्म हो जाएगी डेंसिटी डिपेंडेंट फैक्टर्स डेंसिटी डिपेंडेंट फैक्टर्स वो फैक्टर जो पॉपुलेशन को तब इफेक्ट करते हैं जब डेंसिटी ज्यादा होती है तो जब ज्यादा डेंसिटी होगी तो ये डेंसिटी डिपेंडेंट फैक्टर दे प्ले देर रोल सो वेन द पॉपुलेशन डेंसिटी इज लेस द डेंसिटी डिपेंडेंट फैक्टर लेस इफेक्ट द पॉपुलेशन वो पॉपुलेशन को क्या करेंगे कम इफेक्ट करेंगे डेंसिटी डिपेंडेंट फैक्टर्स में कंपटीशन फॉर रिसोर्सेज यानी कंपटीशन फॉर फूड कंपटीशन फॉर रिप्रोडक्शन कंपटीशन फॉर नेस्टिंग के एनिमल्स फूड के लिए या फिर नेस्टिंग के लिए या फिर इसके अलावा जो है बाकी जो है वो रिप्रोडक्शन के लिए एनिमल्स क्या करते हैं कंपीट करते हैं अगर डेंसिटी ज़्यादा होगी तो कंपटीशन बढ़ जाएगा जिसका मतलब है कि कंपटीशन जो वो है वो डेंसिटी डिपेंडेंट है डेंसिटी ज़्यादा है तो ये फैक्टर बढ़ जाएगा डिजीज अगर पॉपुलेशन ज़्यादा डेंस है तो डिजीज के फैलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं और अगर पॉपुलेशन स्कार्स है दूर दूर है तो फिर पॉपुलेशन जो है वो डिजीज़ के फैलने के चांस कम होते हैं इसका मतलब ये हुआ कि डिजीज की जो स्प्रेड है दैट इज़ आल्सो डेंसिटी डिपेंडेंट है प्रीडेशन प्रीडेटर्स अगर पॉपुलेशन ज़्यादा बड़ी है तो उसको प्रीडेटर ज्यादा प्रीडेशन करेंगे क्यों ज्यादा पॉपुलेशन बड़ी होगी ज़्यादा प्रीडेटर आएंगे और साथ ज़्यादा सभी ज़्यादा ज़्यादा हो जाएगा प्रिडेशन ज़्यादा स्पीड से होगी अगर पॉपुलेशन स्माल है तो प्रीडेटर्स कम होंगे वहाँ और पॉपुलेशन को लॉस जो है वो कम होगा इसका प्रीडेशन इज इट रिलेटेड टू द इट इज आल्सो रिलेटेड टू द डेंसिटी ऑफ द पॉपुलेशन दैन पैरासिटिज्म अगर एनिमल ज्यादा करीब करीब हैं तो पैरासाइट बड़ी आसानी से एक दूसरे में क्या करेंगे बात तमाम एनिमल में ट्रांसफर हो जाएंगे तो ज्यादा करीब होने का मतलब यह कि डेंसिटी ज़्यादा है और अगर एनिमल दूर दूर हैं तो इसका मतलब ये होगा कि जो एनिमल आर लेस डेंस और पैरासाइट्स एक एनिमल से दूसरे एनिमल तक कम चांसेस हैं कि वो ट्रांसफर हो सकेगा विच मीन पैरासिटीज इट इज आल्सो रिलेटेड टू द डेंसिटी ऑफ एनिमल्स